क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होगी, गृह मंत्री के ऊपर। सुन लीजिए, गृह मंत्री आज क्या है, नीरव मोदी चोर है या नहीं है ये बता दो। मैं आपसे कहता हूँ, नीरव मोदी चोर है या नहीं? अगर कोई कहेगा शर्मा को लेकर कोई कुछ कहेगा, आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं, बुरा लगेगा? अरे भाई, अगर भाजपा का वाला करें तो डांस है और दूसरा करे तो मुजरा है। मोदी जी के तो आगे नाथ ना पीछे पगात है। ये जो देश बिखरा है, रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL, जो लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, आए दिन 10 दिन देश की मीडिया वो चलाती है नूपुर शर्मा को, 10 दिन पाकिस्तान चलाई। ये एक तरीके से जैसे एडोल्फ हिटलर ने इस देश के अंदर तानाशाही, जापान में तानाशाही स्थापित करी थी, ठीक उसी प्रकार से जर्मनी में, ठीक उसी प्रकार का काम जो है नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं भारत देश की सरजमी पे। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। सोनिया गांधी मांग लो, क्यों नहीं मांगी माफी किसके लिए? अरे भैया, माफी मांगने के काम जो है, माफी वाले काम जो है भाजपा वाले करते हैं, सावरकर जैसे लोग करेंगे, क्यों करेंगे माफी के काम? जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्योछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्योछावर कर दिया, वो लोग माफी मांगेंगे? और माफी किस बेस की? किस बेस की माफी? क्या गलती करिए? अरे भाई साहब, क्या गलती करिए? एक बात आप मुझे बताइए, नाम क्या है मोदी? एक बात आप मुझे बताइए, सदन में बैठकर नहीं, जब सदन में बैठकर मेरी बात तो सुनिए, जो लोग सदन में बैठकर पोर्न वीडियो देख रहे थे उन्होंने तो माफी नहीं मांगी, उन्होंने की तो सदस्यता रद्द नहीं हुई, उन्होंने कौन सी माफी मांग ली? जरा ये तो बता दीजिए। जब मैं आपसे कहता हूँ सदन में इस प्रकार की फिल्में देखने के अलाउ है, जरा ये तो बता दीजिए। तब सदन का अपमान नहीं होता, तब सदन की अभिनंदन नहीं होती, कोर्ट नहीं गया ना? तो इसकी मैं आपसे कहता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर लेते, स्पीकर के द्वारा ली जाती ना? कोर्ट गए? अरे भैया, मोदी जी का अपमान एक बात, जब मोदी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट गए, अब पूरे देश के अंदर सबको पता है क्या नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होगी? गृह मंत्री के ऊपर? सुन लीजिए, गृह मंत्री आज क्या है बताइए? आप एक बात बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, कानून का सम्मान तो आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अगर फैसला आया तो सम्मान कीजिए ना। अरे तो भैया, एक बात आप मुझे बताइए, आपको कम से कम उनको हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करने का समय तो देते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का वक्त तो देते, अपनी बात को रखने का समय तो देते आप? आपने डायरेक्ट उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जब आपने 30 दिन की उनको जो अंतरिम तौर पर, मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, तत्काल प्रभाव से होती है तो 2-3 दिन का एक समय तो होता है, हैं? आपने उनको मतलब एक बार इतनी जल्दी सजा तो बलात्कारियों को बात बताइए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर इतनी जल्दी सजा देश के अंदर बलात्कारियों को हो गई होती ना, तो देश की बहन बेटी आज, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, सदस्यता गई है। एक बीजेपी का नेता बता दीजिए जिसकी सदस्यता गई हो, बताइए। गई है, बताइए कि बताइए ना। यूपी से जो है अभी उपचुनाव हुआ यूपी में, खतौली के विधायक की गई है। अरे तो मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इस बात को लेकर गई है क्या? जिसने विपक्ष को एक साल की सजा हुई, अगर किसी भी व्यक्ति को, मेरे को पता है किसी, हाँ 2 साल की सजा होती है तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, मुझे पता है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। इसीलिए राहुल गांधी को जो है वो 2 साल की सजा का प्रावधान किया है, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, एक इस देश के अंदर के डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बोलने की आजादी नहीं है? ये सबको आप एक समान निगाह से देखते हैं, कोई विपक्ष के नेता को? एक बात आप मुझे बताइए, आए दिन सारा विपक्ष आपने उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया है। ये एक तरीके से जैसे एडोल्फ हिटलर ने इस देश के अंदर तानाशाही, जापान में तानाशाही स्थापित करी थी, ठीक उसी प्रकार से जर्मनी में, ठीक उसी प्रकार का काम जो है नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं भारत देश की सरजमी पे। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी की बात करते तो हैं, लोकतंत्र कहाँ है? इसका चुनाव होगा, राहुल गांधी मैदान में नहीं होंगे? अरे भैया, नरेंद्र मोदी का रास्ता, मेरी बात तो सुन लीजिए, राहुल गांधी के कोई विपक्ष का नेता ही नहीं छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि साल 2024 से पहले ही सारे नेताओं को जेल के अंदर बुक कर दिया जाए और ये लोग अकेले लड़े। जाने का प्रावधान नहीं है जी, अब राहुल गांधी के पास कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोर्ट जाएंगे, कोर्ट नाम की चीज है क्या? उनको दोबारा जो जहाँ से सजा मिली है वहाँ पर कोर्ट में जाएंगे तो उसके बाद उन्हें रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है? क्यों नहीं है? तो वो क्यों नहीं जाएंगे और क्यों अपनी सदस्यता को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे क्यों नहीं करेंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो एक हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है। आप फंडामेंटल राइट छीन लेंगे क्या किसी व्यक्ति का? आप एक बात मुझे बताइए, हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है, आप थोड़ी छीन सकते हैं फंडामेंटल राइट? और आप थोड़ी बताएंगे कि राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे? एक हर एक व्यक्ति का एक अधिकार है, ये अधिकार कोई उनसे नहीं छीन सकता। लेकिन जिस प्रकार से तत्कालीन ये जो फैसला लिया गया है, अगर इसी प्रकार से तत्कालीन फैसले अगर बलात्कारियों के ऊपर लिए गए होते तो आज मेरे को लगता नहीं है कि बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता देश में। क्या इतने तत्कालीन फैसले, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी तो शारदा नारदा के घोटाले के आरोपी, आज भाजपा ज्वाइन करे तो सारे आरोप उनके ऊपर से खारिज हो गए? तो एक ही देश में, एक ही संविधान से चलते हुए देश में एक ही व्यक्ति के लिए 2 अलग-अलग कानून कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब दे कोई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने मीर जफर से तुलना की है राहुल गांधी की। नहीं, तब तब
तब अपमान कहाँ होगा? तब कहाँ अपमान होगा जरा ये तो बता दीजिए, तब अपमान नहीं होगा ना? अगर भाजपा वाला करें तो डांस है और दूसरा करें तो मुजरा है। एक बात आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर लगातार टिप्पणी करी, लेकिन डेमोक्रेसी इसी को कहा जाता है कि आप डेमोक्रेसी में किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण कर सकें, सरकार से सवाल और जवाब कर सकें। अब सरकार विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाले तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की एक अभिलना है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है देश के अंदर। आज राइट टू स्पीच का जो अधिकार है वो लोगों से कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी जाती है। माफी मांग लीजिए ना, कहते रहे संबित पात्रा को माफी मांग लेते सर। अरे एक बात आप मुझे बताइए, माफी मांगने के काम भाजपाइयों के हैं, वो मांगे माफी ठीक है ना? और भाजपाई अगर माफी मांगते रहेंगे ना तो सारी जिंदगी भी माफीनामे लिखेंगे, भी कम पड़ जाएंगे। इतनी गलती करी क्यों? क्या गलती करी है? क्या गलती करी है? उन्होंने कहा सारे मोदी चोर होते हैं। नीरव मोदी चोर है या नहीं है ये बता दो। उन्होंने सारे मैं आपसे कहता हूँ, नीरव मोदी चोर है या नहीं? नीरव मोदी का नाम तो नहीं लिया है। अरे तो एक बात आप मुझे बताइए तो, एक मिनट, राहुल गांधी का तो नाम लेकर इतनी बार टिप्पणी करी है बीजेपी के नेताओं ने, तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या लगता है किसके? आपके नाम के पीछे क्यों? आप जाति देख के सवाल पूछते हैं, आप जाति देख के सवाल पूछते हैं क्या? कह रहे अगर कोई कहेगा शर्मा को लेकर कोई कुछ कहेगा आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं, बुरा लगेगा? अरे भैया एक आपके सरनेम को लेकर, अगर आपके सरनेम को लेकर कोई एक आदमी गलत है तो इसका मतलब, अरे मेरी बात का तो आप जवाब दिए, मेरी बात सुनिए। एक बात आप मुझे बताइए, जो राहुल गांधी पर जो टिप्पणी करी गई है, नहीं राहुल, अरे भैया एक मिनट, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी पहले भी बीजेपी के नेताओं ने करी उसका आप जवाब देंगे? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जब संबित पात्रा बोलते हैं राहुल गांधी को लेकर तब तो कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होती कार्रवाई? अरे भैया सुन लीजिए, जितनी जल्दी फैसले भाजपा के केस में होते हैं ना उतनी जल्दी फैसले किसी के केसेस में नहीं होते, ये भी आप सुन लीजिए। कहीं ना कहीं हमने भी देखा है आज कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आपके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज होता है क्योंकि आप न्यायपालिका पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन हमने भी देखा है कि जजों को राज्यसभा तक का रास्ता कैसे उन्होंने तय किया है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई खुद ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति को आज जज नहीं बनाया गया, ये खुद सीजेआई की बेंच में जब तीन जज बैठते हैं तो वो खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का अपमान नहीं है या डेमोक्रेसी में लोगों को लिखने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, राइट टू स्पीच की आजादी नहीं है? एक बात का जवाब दीजिए ना, जब सीजेआई को ये बात बोलनी पड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई मोदी की खिलाफत कर रहा है यानी उसको इससे देश की खिलाफत से कंपैरिजन कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? अब 2024 में कौन किसे देख रहे हो? देखिए 2024 में किसे देख रहे हैं? देख रहे हैं फैसला देश की जनता का है ठीक है ना? आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप यहाँ पर चुनाव नहीं लड़वा रहे। मोदी का रास्ता साफ क्या? मोदी को ये तो बात जनता को समझनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मैं हूँ, अगर मैं आपसे पैसा लेकर चला गया तो कल को आप मेरे कम से कम मेरे पिताजी से कहोगे जी आपका बेटा मेरे पैसे लेके भाग गया। मोदी जी के तो आगे नाथ ना पीछे पगात है। ये जो देश बिखरा है, रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, जो लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, आए दिन 10 दिन देश की मीडिया वो चलाती है नूपुर शर्मा को, 10 दिन पाकिस्तान चलाएगी, 10 दिन यूक्रेन का युद्ध चलाएगी। ये जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का जो कांसेप्ट जो चला रखा है ना, ये पूरा देश देख रहा है इस कांसेप्ट को। और ये याद रखिएगा, जिस दिन ये लोग सरकार से गए, ये लोग इस देश को वापस से गुलाम बनाकर जाएंगे। अगर 2024 में मोदी जी दोबारा आते हैं तो इस देश के अंदर लोगों का बोलना तो दूर की बात, ये वापस से राजस्थान स्थापित कर देंगे। जय जय भारत, वंदे मातरम।